हेलो फ्रेंड्स, प्लीज खाना मनपसंद को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, देन प्लीज लाइक शेयर एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो ये पूरा साल खाई जाती है, पर सर्दियों में जो लहसुन है वो इजीली मिलता है, इसलिए मैं आपके साथ लहसुन के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी और तीखा अचार बनता है चटपटा। इससे हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो देख लेंगे। ये 200 ग्राम लहसुन था जिसको कि मैंने छील कर रेडी किया, तो ये 150 ग्राम रह गया छिलका वगैरह निकाल कर। तो ये 150 ग्राम लहसुन की कलियां हैं। ये देसी लहसुन है, आप चाहें तो मोटे वाला लहसुन भी यूज कर सकते हैं। 2-3 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, यहाँ पर देगी मिर्च ली है मैंने कलर के लिए, और इसको चटपटा करने के लिए ये रेड चिली फ्लेक्स यूज किए हैं, ये भी 1 टेबलस्पून है। आप चाहें तो सिंपल लाल मिर्च ले सकते हैं, बट मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं इस अचार में। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और अचार मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें ली हैं। 3 बड़े चम्मच सौंफ है, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, और 3 बड़े चम्मच राई है। ये यहाँ पर राई ली है मैंने, आप चाहें तो सरसों ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका लिया है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप 2-3 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। सरसों का तेल लिया है, 1/2 कप लिया है, आप 1/4 कप तक ले सकते हैं। तो अब हम अचार बनाना शुरू करेंगे। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों मसालों को भून कर पीस लेंगे। हम सबसे पहले मेथी दाना डाल लेंगे और इसको भून लेंगे हल्का सा। मेथी दाना हमने बहुत कम अमाउंट में यूज किया है। जैसे ही मेथी दाना हल्का सा भून जाएगा, हम इसमें ये राई डाल देंगे, राई डालकर भून लेंगे। राई को भी सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है, ज्यादा नहीं भूनेंगे। देखिए राई चटकने लगी है, तो हम साथ ही इसमें सौंफ डालकर भून लेंगे। इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना, जस्ट इनका मॉइस्चर निकालने के लिए हम इन्हें भूनते हैं। गैस बंद कर देंगे, और इसको बंद करने के बाद भी हम 1 मिनट तक चलाते रहेंगे, क्योंकि गर्म पैन में मसाले जो हैं भूनते रहते हैं। इनको हमें दरदरा पीसना है, भून चुके हैं अब हम इन्हें निकाल कर ठंडा कर लेंगे। इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और पीस लेंगे, तब तक हम तेल को गर्म कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है हमने, हम इसमें 1/4 कप तेल लेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ 1/4 कप ले रही हूँ, क्योंकि लहसुन की अमाउंट जो है ज्यादा नहीं है। और इसको हम तब तक गर्म करेंगे जब तक कि तेल धुआं नहीं छोड़ देगा। देखिए तेल में से धुआं उठने लगा है, तो हम गैस बंद कर देंगे। हम लहसुन का अचार थोड़ी जल्दी तैयार करना चाहते हैं, तो मैं इसी स्टेज पर इसमें लहसुन ऐड कर दूंगी, ताकि थोड़ा सा इसमें हल्का कुक हो जाएगा। इस तरह से लहसुन का अचार थोड़ी सी जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि लहसुन जो है हल्का पक जाता है इसमें। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखें, जब ये गर्म होता है तब हम इसे कंटेनर में नहीं डालेंगे, ठंडा करने के बाद डालेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं गैस बंद कर चुकी हूँ, सिर्फ गर्म तेल में लहसुन को डाला है हमने। यहाँ पर मसालों को हमने जार में शिफ्ट कर लिया है, अब हम इन्हें दरदरा कूट लेंगे। मसाले पिसकर तैयार है, अब हम अचार को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। अगर आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी 2-3 चम्मच तक ले सकते हैं, उसमें भी अचार अच्छा बनता है, लेकिन इसमें जरा अचार प्रिजर्व रहता है, जल्दी खराब नहीं होता अगर ऑयल काफी हो। तो हम इसमें मसाले डाल देंगे। आप नमक की अमाउंट कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, ये देगी मिर्च है, अगर आप दूसरी यूज करें तो 1/2 टेबलस्पून करें, कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर हम 4 टेबलस्पून मसाला डाल देंगे, अगर हमें कम लगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इन मसालों को भी ऑयल के साथ भून सकते हैं। देगी मिर्च हमने कलर के लिए यूज की है, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है अचार में। ये बाकी का बचा हुआ मसाला भी डाल देंगे। देखिए इसमें बहुत ज्यादा तेल नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये इसको कोट कर रहा है। मैंने इसमें पहले 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था, मैं बचा हुआ 1/2 टीस्पून भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक जो है वो कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक पूरा डाल दिया है, क्योंकि नमक ही अचार को प्रिजर्व करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा नमक डाल दिया है। विनेगर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून, इससे अचार काफी जल्दी बन जाता है और अचार में एक अच्छी सी खटास आ जाती है। तो हमारा लहसुन का अचार रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी के क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हम अचार बनाते हैं और मसाला बच जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह से लहसुन के अचार का मसाला बच जाए, तो आप इसमें
थोड़ा सा लहसुन ऑयल में फ्राई करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं और उसको अगेन धूप दिखाकर यूज कर सकते हैं। मिर्ची के अचार में यूज कर सकते हैं आप इस मसाले को, तो इस तरह से आपका मसाला वेस्ट भी नहीं जाएगा और आप तो उसे इजीली यूज कर पाएंगे। तो अब हम इसे किसी कंटेनर में भर लेंगे ठंडा करके। 2 से 3 दिन की तेज धूप में ये इजिली रेडी हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप इसे धूप में रखें तो जो जार हम जिसमें भी ये फिल करेंगे उसके ऊपर आप कपड़ा बांध दें और फिर उसे धूप में रखें, पूरी तरह से खुला या ढक्कन बंद करके ना रखें, क्योंकि फिर अचार में स्टीम सी बनने लगती है जिससे कि मॉइस्चर आ जाता है। 2-3 दिन में ये अचार रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये लहसुन के अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। ये काफी इंस्टेंट है, इसको 1-2 दिन में आप इसी तरह रेडी करके खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय खाना मनपसंद एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।